So we'll continue with the standard costing, right? So your sales and margin is over, right? So today we are starting very important one is a material variance, right? So just write a note now. Analysis of material variance. Analysis of material variance is always based on actual production. Analysis of material variance is always based on actual production. Refer question number 4, page number 12.80. Question number 4, page number 12.80, right? Just read the question, try to understand kya de rakha hai. Production manager बोलता है if you want to produce 100 units then the minimum input is required 800 kg, right? मैंने आपको क्या बताया था, material labor variable overhead always based on actual production. Now what is your actual production is? What is your actual production is? 500 units, right? Okay, तो कैसे note बनाएंगे? Take note number 1. Standard input for actual output. Standard input for actual output. If output is 100 units, standard input is 800 kg, right? If suppose your actual production is 500, 800, 100, and this comes to 4000 kg. Every 100 units ko banane mein kitna material lagta hai aapko? 800, right? Every 100 units ke liye production manager kya bol raha hai? 800. Now suppose if your actual production is 500, your input should be 4000, right? Then step number 1, this is your material variance always based on actual production. Material variance always based on actual production. What is your actual production? 500 units. What is your actual production is? 500 units. Take standard and take actual. Kg, rate, amount, kg, rate, amount. Kg, rate is 20,000, but actually used 4,400. At the rate of 5.3, 23, 320.
राइट, क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 20,000, हाउ मच वी आर एक्चुअली पेइंग 23,320, कितने का लॉस हो गया टोटल 3,320. नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था 4,000, एक्चुअली यूज्ड 4,400 एक्स्ट्रा, बट ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन, सो मल्टीप्लाई बाई 5, कितना लॉस हो गया 2,000. क्या बोला था उसने 4,000 यूज्ड 4,400 एक्स्ट्रा इंटू 5, देर इज ए लॉस ऑफ 2,000. रेट मैनेजर क्या बोला था 5, परचेज एट द रेट ऑफ 5.3, कितना एक्स्ट्रा पे किया 0.3 इंटू वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी. वॉट इज एक्चुअल क्वांटिटी 4,400, 1,320 टोटल आपका टैली, राइट. सो दिस इज स्टेप नंबर 2. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट सोचा था 20,000, 3,320 एडवर्स. क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 20, क्या कॉस्ट आ रहा है 23,320, कितने का लॉस हो गया 3,320. नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, देर आर टू, प्रोडक्शन मैनेजर, राइट, मटेरियल यूसेज वेरियंस. मटेरियल रेट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस. मटेरियल यूसेज क्या क्वांटिटी सोचा था 4,000, यूज्ड 4,400. वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट 2,000 एडवर्स. क्या रेट सोचा था 5, वी आर पेइंग 5.3 इंटू 6,000, right? If you want to learn the formula, then standard cost minus actual cost, standard quantity minus actual quantity into standard rate, standard rate minus actual rate into actual quantity. But we don't use the formula, so you go very logical, right? Kya cost socha tha 20, क्या कॉस्ट आ रहा है 23,320, हाउ मच वी आर लूजिंग 3,320, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यूसेज और रेट, प्रोडक्शन मैनेजर और रेट मैनेजर. बोलो यस और नो प्रॉपर, बिकॉज दिस इज ए सिंगल मटेरियल, सो देर इज नो मिक्स, देर इज नो सब वॉल्यूम, राइट. अदरवाइज अगर दो रहेंगे तो सब वॉल्यूम और मिक्स भी आएगा. Can you try 5, question 5, page number 12.80, question
टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड एज पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड राइट। प्रोडक्शन मैनेजर आपको क्या बोलता है, अगर हम लोग ए डालेंगे 100 केजी, बी डालेंगे 60 एंड सी डालेंगे 40, तो टोटल क्या होगा 200 एंड 200 में से अपने को 10% क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस 20, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 180। सो इफ स्टैंडर्ड इनपुट इज 200 देयर इज अ लॉस ऑफ 20, आउटपुट इज 180, बट व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 4000, प्लीज अंडरलाइन दैट 4500, योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4500, प्लीज अंडरलाइन दैट राइट। तो स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट राइट। टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, अगेन आई विल रीड, टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड एज पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है, सर इफ यू पुट ए 100 केजी, बी 60 केजी एंड सी 40 केजी, इट मीन्स टोटल 200, देन देर इज अ लॉस ऑफ 10%, इट मीन्स 20, सो वॉट इज द आउटपुट 180, बट वॉट इज आर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4500। तो अगेन सेम स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट इज 200 केजी, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 200, 20 केजी एंड आउटपुट इज 180 केजी। एवरी 180 के लिए हम लोग को कितना पुट करना पड़ेगा 200, फॉर एवरी 180 के लिए यू हैव टू पुट 200। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इन द क्वेश्चन 4500, सो 4500 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 180, ए बी एंड सी, and this should be in the ratio of 100:60:40। 5000 को किस रेशियो में लेंगे बोलो, 100:60:40, यही था ना। दिस इनपुट ए बी सी 100:60:40, थाउजेंड फाइव हंड्रेड के जी, 1500 के जी एंड 1000 के जी। सही है सुनो फ्रेंड्स, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4500। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, इफ यू पुट 200 केजी देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, आउटपुट 180। एवरी 180 के लिए इनपुट इज रिक्वायर्ड 200, सो इफ योर आउटपुट इज 4500 इनपुट शुड बी 5000 एंड 5000 इन द रेशियो ऑफ 100:60:40। Say yes or no, friends. Right? Then you put all the information in tabular form, right? Step number one. This is material variance and based on actual production is 4500 kg. Standard actual input quantity rate amount quantity rate
amount. Input A, input B, input C, 2,500, 1,500, 1,000. Rate per kg 5, 10, 15. Actually use 2,800, 1,600, 900. Actual rate 6,914. Say yes or no, friends, right? Comfortable? क्या कॉस्ट आना चाहिए? 42,500. हाउ मच एक्चुअल कॉस्ट इज कमिंग? 43,800. सो देर इज ए लॉस. सही है सुनो फ्रेंड्स. हु इज रेस्पॉन्सिबल? या तो प्रोडक्शन मैनेजर या फिर रेट मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर रेट. रेट मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट बट एक्चुअल क्वांटिटी. सो व्हेनेवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी. करो जरा. स्टेप नंबर टू. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट सोचा था? 42,500. क्या कॉस्ट आ रहा है? 43,800. $1,300 adverse. Material usage variance. Material rate variance. A, B, C. 2,500 we are using 2,800. Whenever there is a quantity part multiply by standard rate.
this plus this equal to this. Whenever there is a quantity part, multiply by standard rate. Whenever there is a rate part, multiply by actual quantity. Formula likhna hai to standard cost minus actual cost. Standard quantity minus actual quantity into standard rate. Standard rate minus actual rate into actual quantity. Say yes or no. Proper, then divide into material sub usage variance. And material mix variance. Material sub usage variance and material mix variance. Sub usage means totality, right? क्या total आपने सोचा था? 5, क्या total आ रहा है? 5300. 5 के सामने 5300 into 42500 divided by 5000. Same जो sales margin में किया था, right? 5 की जगह कितना यूज हो गया? 5300. कितना एक्स्ट्रा यूज हुआ? 300. व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, राइट? वी डोंट हैव स्टैंडर्ड रेट, सो वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एवरेज रेट. इट मींस एडवर्स 2550 एडवर्स. से यार सुनो, राइट? क्या प्रोपोर्शन में हम लोगों ने सोचा था? इफ टोटल इज 5000, ए शुड बी 2500. इफ माय टोटल इज 5000, तो ए क्या होना चाहिए? 2500. एम आई गोटिंग द सेम आंसर? इज नो. देन वी हैव टू चेक 5 में 2500, तो 5300 में कितना, राइट? इट मीन्स यू टेक सेम लाइक यू नो ए बी सी, ओके, 2500 आउट ऑफ 5000, तो आउट ऑफ 5300, देन 1500 आउट ऑफ 5000, आउट ऑफ 5300, देन 1000 आउट ऑफ 5000, आउट ऑफ 5300, टू सिक्स फाइव जीरो वन फाइव नाइन जीरो वन थाउजेंड सिक्सटी. आउट ऑफ 5000 ए इज 2500, आउट ऑफ 5000 ए इज 2500, आउट ऑफ 5300 ए कितना, राइट? एक्चुअली यूज 2800, 1600 एंड 900. वेन एवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट.
1550 favorable. Yeah. Okay. So total cost you divide into material usage and rate. Usage you divide into sub usage and mix. Sub usage and mix. Okay. And sub usage you divide in material yield variance. Material sub usage is always based on input and this one is based on output. Material yield variance, right? Always based on output. This is always based on output, right? कैसे करेंगे देखो जरा, इधर मैं कंटिन्यू करता हूँ. मटेरियल यील्ड वेरियंस, योर इनपुट इज 5000 तो योर आउटपुट इज 4500. प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोल रहा है, इफ द इनपुट इज 5000 तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 4500. यू आर एक्चुअली पुटिंग राइट, इफ योर इनपुट इज 5000 केजी सो योर आउटपुट इज 4500. इफ योर इनपुट इज 5300 आउटपुट शुड बी 5 × 5300. देखो जरा, बट आफ्टर पुटिंग 5300 यू आर गेटिंग एक्चुअली आउटपुट ऑफ ओनली 4500. आना चाहिए 4770, आ रहा है 270 केजी ऑफ फिनिश गुड्स का लॉस हो गया. प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन. सो दिस इज द कॉस्ट 4500 फॉर 4500. वी आर सपोज टू गेट 4770 इज ए आउटपुट, वी आर गेटिंग ओनली 4000, तो कितने का लॉस हो गया, 270. और पर केजी का रेट निकालो, टू फाइव फाइव जीरो एडवर्स. यील्ड के नीचे ये जरा लिख लो राइट. फाइव थाउजेंड से कितना मिल रहा है, 4500. तो 5300 से कितना मिलेगा, 4770. 4770 की जगह एक्चुअली वी आर गेटिंग ओनली 4500. राइट फ्रेंड्स, 5000 से 5000 इनपुट है सो आई एम गेटिंग द आउटपुट ऑफ 4500. इफ आई एम पुटिंग 5300 तो आई एम सपोज टू गेट ओनली 4700. But after putting 5300, I am getting only 4500. So there is a loss of 270.
बोलो या सुनो, राइट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स, माइनस एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स, राइट, इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट ऑफ आउटपुट, सही है सुनो फ्रेंड्स, राइट। इसका फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, दिस इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। बोलो या सुनो, राइट, ये क्यों डिफरेंस है? अच्छा, हमेशा सब यूसेज एंड यील्ड हमेशा आपको क्या मिलेगा? टैली। सब यूसेज एंड ये हमेशा किस में रहेगा? इन टर्म्स ऑफ इनपुट। यहां पे क्या कंपेयर किया था? इनपुट। हियर वी आर कंपेयरिंग आउटपुट। सही है सुनो, आंसर विल बी ऑलवेज सेम। बोलो, राइट है। ट्राई 7 पेज नंबर 12.81, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 12.81। खुद से ट्राई करिए, राइट। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, एक ही बात ध्यान रखने का, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो, अगर मेरा इनपुट 100 है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है? सर, अगर आपका इनपुट 100 है तो आपको कितने परसेंट लॉस है? 10, तो आपको आउटपुट क्या आएगा? 90। एवरी 90 के लिए आपको कितना डालना पड़ेगा? 100। व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट? 189। बोलो या सुनो, या नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इफ इनपुट इज 100 kg, लॉस इज 10 kg, आउटपुट इज 90 kg। If my actual output is 189, 189 100 by 90, 210 kg,
A and B in the ratio of 40:60. Standard input for actual output, right? If my input is 100, my loss is 10, my output is 90. Input is 100, loss is 10, output is 90. A B 84:126:90:120. Twenty, 30, 18, 34. स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए आपका, राइट? आपको स्पीड में भी करना है और एक्यूरेट भी करना है. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस क्या सोचा था? 5460, एक्चुअली यूज्ड 5700. लॉस ऑफ 240 फ्रेम्स. मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट? पहले आप एक्चुअल प्रोडक्शन देखिए ना अकॉर्डिंगली. जितना खुद से ट्राई करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? हू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मटेरियल
usage variance. Material rate variance. Material usage production manager always responsible for quantity, not for rate. Rate manager always responsible for rate, but always multiply by actual quantity. Right, material usage, material rate, then material subuses, material mix. Subusage means totality. 210 socha tha, 210 hi dala. No variance, no variation. A, B. 84 out of 210, out of 210, 84 only. 126 out of 210, out of 210, 126 only. But सामने 90 120 20 30 120 एडवर्स, 180 फेवरेबल, 60 फेवरेबल. Then finally material yield variance. This is always in terms of input. This is always in terms of output. Say yes or no, friends. Perfect. This is material yield variance. Material yield variance, right? If input is 210, आउटपुट कितना है अपना 189. व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन 189. बोलो. इफ इनपुट इज 210 आउटपुट इज 189. इनपुट इज 210 आउटपुट इज 189. एक्चुअली वी आर पुटिंग 210 ओनली, तो वी आर सपोज टू गेट
189 की जगह वी आर गेटिंग ओनली, सो देर इज नो वेरियंस. या बोलो प्रॉपर, कैन आई टेक योर टेस्ट नाउ? यस. क्वेश्चन नंबर टेन पेज नंबर 12.82. मिसिंग फिगर राइट, यहां पे जो एक्चुअल इनपुट है ना ए क्वेश्चन मार्क, वहां पे यू पुट 40 kg. एक्चुअल इनपुट ए में क्वेश्चन मार्क है ना, एक्चुअल इनपुट ए क्वेश्चन मार्क है ना, वहां पे यू पुट 40 kg. कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, अपना फॉर्मेट पार्ट क्या रहेगा सेम राइट. ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्किंग नोट ओनली राइट. वर्किंग नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. Standard input for actual output, right? If your input is 100 kg, loss is 10. So output is 90 kg. Input is 100, loss is 10, output is 90. If your actual output is, that is missing, right? And this should be in the ratio of 1:1. Actual output is missing in the question, right? Not available, right? दो तरह के इनपुट हैं ए एंड बी. स्टैंडर्ड रेट पर के जी 24-30, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 40-70. एक्चुअल रेट 30. स्टेप नंबर 2,
material cost variance. Material usage variance, material rate variance. Material sub-usage variance, material mix variance. Material yield variance. या करो सॉल्व. कॉस्ट वेरियंस 1300 एडवर्स. Yield variance, yield and sub usage is always same. Material cost से tally होना चाहिए usage and rate, usage से tally होना चाहिए sub usage and mix, और उसके साथ yield.
हाउ दिस कम्स टू फाइनली You can't use mess in this. Your approach is correct. Mess you can't use in this. Mathematically you can't solve this. See, what is this given material sub usage variance, right? This is your material sub usage variance. What is this material sub usage variance? Refer, see this in the ratio of 1:1. Now what is sub usage? Total of this minus total of actual इंटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट. अभी सपोज कुछ भी रहने दो यहां पे 1:1, द रेट शुड बी 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, राइट? 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 270 एडवर्स. इट मीन्स 270, ये एवरेज रेट कम्स टू 27. So 270 divided by 27 is 10. 270 divided by 27 is 10. And because this is adverse, so this comes to right? Whatever quantity is there, the proportion should be in the ratio of 1:1. Proportion kya hona chahiye bolo? 1:1. To 1:1 rahega to apna average rate kya aa jayega? Is 27, hai na? In dono ka difference multiply by 27 is 270. So 270 divided by 27 is 10. Because this is adverse, apka kya aayega? 100. If it is 100, it means in the 100, then it should be in the ratio of 50:100. 1200, 1500, 2700. This is 2700, adverse 1300. Bolo? adverse 1300, it means this comes to, bolo, 4000, ye 4000, this is 1200, 2800, and this comes to 40. Fifty, 40, 50, 70, 24, 30, 240 favorable, 600 adverse.
Yeah. 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 Yeah.
then material, yield variance, input is 100, output is 90, 110, 99 की जगह 90, 2700 डिवाइड बाई 90, 270 एडवर्स. Yeah. Sorry. Actual output we'll get, na? This is. This is your yield variance, na? Right. Suppose if your input is 100, right? Output is 90. That's why I'm saying, na? Input is 100, right? Output is 90, right? Now, what is material yield variance? What is the rate of output? It means if it is 100 kg, 10% is a loss, so output is 90 only, na? Haan, so standard ratio, na? So input is 100, this input is 100, loss is 10, output is 90. Hundred is available, na, to you. अरे तो input is 100, na. हाँ तो then input is 100, then what is your output? You can't find out the output. अरे तो only standard we always this make with this table according to the actual output only, na? We make this table always according to the actual output, na? So if my this is 100, what should be my actual output? My actual output should be 90 only, right? Because 90 ke liye we want 100, na? So 90 is your this. Now if you are putting 110, output should be 99, right? So 99 ki jagah we are getting only 90, and what is the rate? 2700 divided by 90, so this comes to 270. This table we always prepare according to the actual output, na? So yes or no, right? Chalo, next test 6, page number 12.80. now clear? Question 6,
page number 12.80. Question 6, page number 12.80. Question 6, page 12.80. Material labor variable overhead always based on actual production. What is your actual production is? 620,000 tiles. Please generalize that. 620,000 tiles. Material labor variable overhead always based on actual production. 620,000 tiles. Material, labor, variable overhead always based on actual production. Yes. 40,000 tiles. That is the only question.
हाँ बट यू आर रॉन्ग समवेयर. थिंक मोर, थिंक मोर. स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए ना अपने को, राइट. देखो अपना जो ब्रिक्का है ना, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट ना, समझो जरा ना. आपका ब्रिक का साइज क्या है? 6x6, इसका मतलब 36 इंचेस. बाद में कॉपी करना, एक बार समझ लो. आपका ब्रिक का साइज क्या है? 6x6, इट मीन्स 36 इंचेस, राइट. 1 foot इक्वल टू 12 इंचेस, सो 1 square foot इक्वल टू 144 इंचेस. वन फिट इक्वल टू बोलो 12 इंचेस, तो 1 square foot इक्वल टू 144 इंचेस. हमारे पास कितने स्क्वायर फिट है बोलो? 20,000. सो 20,000 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 36. 36 में अपने को एक ब्रिक मिलता है, तो 20,000 में कितना मिलेगा? 80,000. वन फोर्टी फोर इंचेस, राइट. 36 इंच इक्वल टू 1 brick. 144 डिवाइड बाई 36, इट मीन्स वी कैन प्रोड्यूस 4 bricks इन 1 square meter. बोलो या सुनो, है ना. 80,000. नाउ 80,000 के लिए मटेरियल ए बी सी कितना है? 600 kg, 400 kg, 500 kg. 600 kg, 400 kg, 500 kg. इज फॉर 80, फॉर 620. फोर सिक्स फाइव जीरो के जी थ्री वन डबल जीरो के जी बोलो या सुनो फ्रेंड्स, है ना. वन स्क्वायर फिट है, राइट. स्क्वायर फिट, नॉट वन फिट, स्क्वायर फिट. इट मीन्स 1 foot इक्वल टू 12 inches, तो 1 square foot इक्वल टू 144 inches. By 6, 36 inches equal to 1 brick. तो 144 inches में कितनी brick बन सकती है? 4. तो 20,000 square feet में, तो 20,000 square feet को convert किया inches में and divide किया inches से, right? तो 80,000 के लिए क्या चाहिए? A, B and C, 4650, 3100 and 3875. बोलो या सुनो, राइट है.
मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी 4650, 3100, 3875. एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,20,000 नंबर्स. पॉइंट नाइन, पॉइंट सिक्स फाइव, पॉइंट फोर जीरो. एक्चुअली यूज्ड 5,000, 2,900, 4,000, 0.85, 0.60, 0.45. खुद से ट्राई करिए. राइट, स्टेप नंबर वन, टेबुलर फॉर्म. ओ टोटल एंड प्रैक्टिस करिए अपना जितना हो सके. एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड चाहिए. राइट, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ इज रिक्वायर्ड. या स्टेप नंबर वन इज क्लियर. एक्चुअल प्रोडक्शन 620,
cost 7750, but actual cost is 7970, right? Step number 2, material cost variance. एंड सारी ब्रांचेस टैली होना चाहिए राइट, तो ही आपको पता चलेगा करेक्ट आंसर. ओके, मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 220 एडवर्स, मटेरियल यूसेज वेरियंस 395 एडवर्स एंड मटेरियल रेट 175 फेवरेबल. मटेरियल सब यूसेज मटेरियल मिक्स.
yeah, all right. Material cost variance 220 adverse. जितना खुद से करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट. मटेरियल यूसेज 395 एडवर्स. मटेरियल रेट 175 फेवरेबल. मटेरियल सब यूसेज 450 एडवर्स. प्रॉपर मटेरियल कॉस्ट यूसेज सब यूसेज सब यूसेज देन मिक्स और ये हमेशा दोनों क्या होना चाहिए टैली. दिस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड दिस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट. सही है सोनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर. ओके, एक लास्ट में आपको टेबल बना के दे देता हूँ, राइट. होमवर्क में करना अपना और आप खुद ही टेबल बनाइए 9 का ना. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 12.81. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 12.81. एंड आप आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज सारे आंसर टैली होने चाहिए, राइट. अगर टैली नहीं होते तो आप खुद ही वेरीफाई करिए क्या मिस्टेक हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 12.81. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 12.81. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, बोलो. 4 kg, या यस और नो. वन यूनिट इज रिक्वायर्स 4 kg. इट मींस स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट. इफ इनपुट इज 4 kg, आउटपुट इज 1 unit. इफ माई आउटपुट इज 1000, दिस शुड बी 4000 kg. एंड इन द रेशियो ऑफ ए बी सी डी, थर्टी 40, 20 and 10. 1200 kg, 1600 kg, 800 kg and 400 kg. तो जो सिंपल सिंपल है वो आप खुद ही ट्राई कर लेना, राइट. लेकिन सब आंसर आपके टैली होने चाहिए. ये समझा कि नहीं समझा फ्रेंड्स, बोलो. कोटारी, राइट है. 1 unit के लिए 4 kg, तो 1000 के लिए कितना है ना. टेबल स्टैंडर्ड kg रेट अमाउंट इनपुट ए बी सी डी 1200 1600, 800, 400 into 1.25, 1.5,
3.5 and 3. Eleven eighty, 1580, 830, 440, 1.3, 1.8, 3.4, and 3. एनालिसिस होमवर्क में कर लेना ना। इजी हो जाएगा ना फ्रेंड्स, 7900, 8520, डिफरेंस ऑफ रुपीज 620, फिर उसको टैली कर लेना राइट। Whenever there is a quantity part, multiply by standard rate. Whenever there is a rate part, multiply by actual quantity. Okay? अभी break ले लेते हैं, break के बाद।